शहर में ग्रीन एंड क्लीन विषय पर प्रतियोगिता में बेहतरीन पेंटिंग बनाकर स्कूली बच्चों ने पुरस्कार जीते। तीन ग्रुप में हुई प्रतियोगिता में तीन तीन विजेता चयनित हुए, जबकि प्रेरक पुरस्कार विजेता को भी चुना गया। पंचायत भवन में स्वच्छ भारत मिशन के तहत निगम ने स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कराया। दर्जन भर स्कूलों के 500 बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। पंचायत भवन परिसर में शामियाने के नीचे सभी बच्चों ने विभिन्न रंगों से स्वच्छता की अलग अलग चित्र बनाई। सबसे बढ़िया पेंटिंग को पुरस्कार मिला। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के तीन ग्रुप में तीन विजेता और तीन तीन प्रेरक पुरस्कार विजेता बने। इन सभी को प्रमाण पत्र और इनाम दिए गए। प्रतियोगिता के संचालन में जीएम जलकल, एसपी श्रीवास्तव, स्मार्ट सिटी प्रभारी टीएन मिश्रा, केके गुप्ता आदि मौजूद रहे। स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर जुगनू जादूगर ने स्वच्छता के प्रति संदेश दिया। पुरस्कार नगर आयुक्त के अलावा प्रिया अग्रवाल और शुभी शर्मा ने बांटे। आज यहां पर स्वच्छता के संबंध में जागरूकता को लेकर के हमने स्कूलों के बच्चों को बुलाया था और उनकी एक पेंटिंग प्रतियोगिता यहाँ पर हमने आयोजित कराई थी। पेंटिंग प्रतियोगिता का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि बच्चों में एक जागरूकता आ जाए और वो ये समझ सकें कि सफाई रखना और सफाई करना ये केवल एक विभाग का या एक कर्मचारी वर्ग का काम नहीं है, बल्कि ये सबका काम है। जब सारे लोग मिल करके सफाई रखेंगे तभी सफाई रह पाएगी, वरना सफाई नहीं रहेगी। तो अब आप देखें, जैसे यहाँ पर जो है तो हमने इतने सारे बच्चे आए थे, करीबन 450 बच्चे आए थे। हमने छोटी छोटी डस्टबिन रखी, बच्चों ने बहुत ध्यान रखा इस चीज़ का, और जो भी कूड़ा कचरा था उन्हीं डस्टबिन में उन्होंने डाला। तो ये अगर बच्चों में जागरूकता आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और हम समझते हैं कि अगर बच्चे सफाई के बारे में संजीदा हो जाएंगे तो उनके पेरेंट्स भी होंगे, उनके आसपास के लोग भी होंगे, और एक एक करके जब ये अभियान बढ़ेगा पूरा शहर साफ होगा, पूरा देश साफ होगा। स्वच्छता अभियान पर आज हम लोगों ने जागरूकता अभियान किया था। नगर निगम द्वारा ये चलाया जा रहा अभियान, अब ये हर आवाम की आवाज़ होगी, ये हर क्षेत्र में चलेगा। हर बच्चों को इसलिए इसमें यूज़ किया गया कि आगे जाके बच्चे जब अपने घर पर जाकर बताएंगे कि भाई आज स्वच्छता अभियान हुआ था, तो एक इम्पैक्ट और बढ़ेगा, क्योंकि अब हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है और मुरादाबाद शहर को स्वच्छ बनाना है।